राम सेतु मूवी का बजट 150 करोड़ रुपए था और बॉक्स ऑफिस पर इस मूवी ने 92 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर बहुत ही बुरी तरह से फ्लॉप हुई। और देखो भाई लोगों, मुझे सत्यदेव कंचारण की एक्टिंग और उनका बोलने का स्टाइल बहुत ही ज्यादा पसंद आया था। और राम सेतु मूवी में अक्षय कुमार, सत्यदेव कंचारण, जैकलिन फर्नांडिस और नासिर जैसे बड़े बड़े एक्टर होने के बावजूद भी ये मूवी फ्लॉप कैसे हो गई? और इस मूवी के फ्लॉप होने के 3 सबसे बड़े कारण है, तो इस वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। नंबर 1, किसी भी मूवी को आगे बढ़ाने के लिए सस्पेंस होना बहुत ही जरूरी है, जो कि इस मूवी में नहीं है, क्योंकि डायरेक्टर ने इस मूवी के अंदर कहीं ना कहीं सस्पेंस घुसेड़ा और उसके बीच बीच में कहानी को इतना ढीला छोड़ दिया है कि लोग बोर फील करते हैं। नंबर 2, लोग जब घर से निकलते हैं तो ये सोचकर थिएटर में आते हैं कि आज हमारा हीरो कोई नया ही एक्शन करेगा, लेकिन इस मूवी में इसका उल्टा है, इसमें हीरो भागा जा रहा है और विलन हीरो के पीछे आता जा रहा है। नंबर 3, इस मूवी का फ्लॉप होने का सबसे बड़ा कारण यही है कि इस मूवी की कहानी गलत है, क्योंकि इस मूवी की कहानी में ये बताया गया कि रामायण एक महाकाव्य है, इतिहास नहीं है। अब राम भी सोच रहे होंगे कि मेरी इंडस्ट्री में क्या हो रहा है।